प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को रूस के लिए रवाना होंगे। अपनी यात्रा के दौरान वह समूह के नेताओं और अन्य आमंत्रित अतिथियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस जा रहे हैं। ये इस साल उनकी दूसरी रूस यात्रा है। रूस के कजान शहर में 22-23 अक्टूबर को ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा। संगठन के विस्तार के बाद ये इसका पहला शिखर सम्मेलन है। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण समूह है। मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई इसी साल इस संगठन में शामिल हुए हैं। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा है कि उनका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ 40 अन्य नेताओं का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। एपी के अनुसार ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए अपनी रूस की यात्रा रद्द कर दी क्योंकि घर में दुर्घटना के कारण उनकी गर्दन पर चोट लग गई है। अर्जेंटीना और सऊदी अरब को भी आमंत्रित किया गया था लेकिन सऊदी अरब ने सरकार बदलने के बाद इसे अस्वीकार कर दिया, जबकि सऊदी अरब ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा कजान में ब्रिक्स सदस्य देशों ने अपने समक्षकों और आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी उम्मीद की है। रूसी राष्ट्रपति के सहायक पूरी उशाकोव के अनुसार कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 24 देशों के नेता और कुल 32 देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे, जिससे ये रूस में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा विदेश नीति कार्यक्रम बन जाएगा। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण समूह है जिसमें विश्व की 41% आबादी शामिल है। विश्व GDP का 24% और विश्व व्यापार में 16% से अधिक हिस्सेदारी है। सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद ब्रिक समूह का नाम बदलकर ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका कर दिया गया।